दोस्तों आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस की टीम का सफर तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम अभी भी आईपीएल 2022 में किंग मेकर की पोजीशन बनाने की सिचुएशन में बैठी हुई है। मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल में लास्ट पोजीशन पर फिनिश करेगी, इस बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद, इन सभी टीमों की किस्मत अब पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम के हाथ में आ चुकी है। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम प्लेऑफ में जाना चाहती है तो फिर उनको ना सिर्फ गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला जीतना पड़ेगा, बल्कि इसके साथ ही फिर उनको ये भी दुआ करनी पड़ेगी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना आखिरी मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार जाए, क्योंकि अगर डीसी की टीम मुंबई को हरा देती है तो फिर उनका नेट रन रेट आरसीबी से बेहतर होने की वजह से वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस तरीके से आरसीबी के प्लेऑफ में जाने की जो चाबी है वो मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के हाथों में आ चुकी है। अगर मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में अपनी टीम में चेंजेस करती है, यानी कि वो उन नए नए प्लेयर्स को चांस देते हैं और मेन टीम के साथ नहीं उतरते हैं खेलने के लिए, तो फिर इससे दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो एक वीक मुंबई इंडियंस की टीम से खेलेंगे और उनको अगर हराना इनके लिए आसान रहा तो फिर ऑटोमेटिकली आरसीबी की टीम आईपीएल 2022 से बाहर हो जाएगी डीसी के जीतते ही। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से क्या आरसीबी अभी भी प्लेऑफ में जा सकती है या फिर आपको लगता है कि उनका सफर खत्म हो गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।